जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार लहरनिया, टाँड़ के कलाल पर से लाई। दर्शकों, किसान का एकमात्र धन होता है वो होता है जमीन। जमीन तक अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो किसान यूं ही मर जाएंगे। मेरा साफ कहना, नागी डैम जो बना है किसानों के पटवन के लिए बना है। नागी डैम से जो पानी छोड़ा जाता है, ये पानी का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी तरह ये कैनाल है, झाड़ियों से भरी पड़ी ये नहर में इतना घास फूस और बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हैं जिनकी सफाई नहीं होने से पानी का बहाव रुक गया है। अब पानी का बहाव रुकने के कारण दो चार जगह ये कैनाल टूटी हुई है। ऐसे में किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऐसे भी आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में। किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको याद होगा कुसुमा आहार, जो आपने देखा होगा ये धर्मेंद्र कुमार जो हमारे जिलाधिकारी हैं, एसपी साहब, तमाम लोग कड़ी मेहनत करके कुसुमा आहार जो कटौना के आसपास बना है वो इसलिए बना है ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुँच सके। उसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने आकर किया था, आपने देखा होगा। उसी तरह ये नागी डैम का जो पानी अगर किसानों को खेतों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर नागी डैम होने का फ़ायदा क्या, फिर ये कनाल होने का फ़ायदा क्या। हम तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इस नहर की सफाई करने का काम करें, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ बांध टूटा हुआ, जो नहरें टूट गई हैं उसकी मरम्मत होनी चाहिए ताकि किसानों को पानी मिल सके। देखिएगा हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग। पूर्व मुखिया कानन पंचायत बुद्धन यादव, मेरा हम लोग किसानों का इतना पानी का दिक्कत हो रहा है, टावर पुल से लहरनिया टाँड तक केनाल का स्थिति पूरा जर्जर है, पूरा झाड़ी भरा हुआ है और झाड़ी से पानी रुकाव के कारण जो जहां तहां जो है केनाल टूट रहा है, और टूट जाने के बाद जो है हम लोग का अभी धान मरने के कगार पर है। तो हम सारे किसान पिपरा कावर ककनिया तेरी सब लोग आके बांध अपना पानी ले जाने के लिए थोड़ा व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर सरकार की तरफ से गुहार है कि इस केनाल को मरम्मत किया जाए। जी, कितना पटवन होता होगा? पटवन इधर कम से कम हजारों एकड़ से ऊपर है। अच्छा अच्छा, जब झाड़ियाँ हो जाएगी तो निश्चित रूप से पानी का भाव रुकेगा, बांध टूटेगा। बांध टूटता है जी, टूटा हुआ स्थिति है, अभी हम भेज रहे हैं उसका फोटो भी। ठीक, ऐसा जुड़ रहे हैं। ये क्या दिक्कत हो रही थी, दिक्कत की हो रही है? दिक्कत हो रहा है, झाड़ी पूरा केनाल में बांधते हैं हम लोग, हर साल यही कर रहे हैं, और धान भी मर रहा है। अगला साल तो पानी नहीं था, केनाल नहीं झाड़ने सका, और अभी भी यही स्थिति है कि जबकि डैम में पानी भरा हुआ है और किसान रोप लिया धान और मर रहा है। मरने के कारण क्या है, सरकार को क्या स्थिति है? सरकार अभी केनाल पर देखता, किसानों को क्या क्षति हो रहा है। एक तो ऐसे लॉकडाउन है और किसान अभी भी जान दे रहा है खेतिये पर, लेकिन तो पर भी अपना जान देते हुए पर तो पर भी सरकार नहीं देख रहा है। माने बांध की मरम्मत नहीं हो पा रही, पानी नहीं हो रहा, खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, कहीं नहीं पहुंच रहा है। ठीक, आपका ककनिया तारी से लेकर को कावर तक घुरिकवा तक पानी अभी एक बूंद नहीं जाता है यहाँ से, और हम लोग को यहाँ बहुत दिक्कत है, और यहाँ इतना झाड़ी है कि जो है ना केनाल में जो बहुत दिक्कत है। अभी आप लोग कहाँ हैं खड़े, कौन सी जगह है ये? लहरनिया टाँड में। अच्छा, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग झाड़ी को यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ सफाई होना चाहिए, और सफाई करके पानी यहाँ जाइए, यहाँ से घुरिकवा तक जाना चाहिए पानी। ठीक, हम किसान है जो खुद से इस नहर जो टूट गई उसके मरम्मत में सुबह से ही लगे हुए हैं, जबकि ये काम सरकार का है। लेकिन एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि किसान लोग खुद से जागरूक हो रहे हैं और अपना काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। क्या है? ये नहर है या झाड़ी, आप खुद जज कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। देखिए पूरी तरह से ये नहर जो है, कैनाल जो है, पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा हुआ है और पानी का बहाव रुका हुआ है। नहर जो देख रहे हैं दर्शकों, ये नहर नागी डैम से पानी छोड़ने के बाद किसानों को पटवन के लिए ये नहर से पानी जाना है, लेकिन ये नहर में इतनी झाड़ियां हैं, इतने घास फूस उग गए हैं जिसकी सफाई नहीं होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, और बांध टूट जाने से आम किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। ये आप खुद देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ, कितने घास फूस उग गए हैं, इसमें कोई सफाई नहीं, कोई रख रखाव नहीं होने के कारण पानी का बहाव रुकना लाजिमी। देश के नव निर्माण में हमारा भी योगदान। अंकित टीएमटी का वादा लोहे की उम्र ज्यादा है।